ऋषिकेश जिससे खबर है, लगातार बारिश के बाद यहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। IDPL श्यामपुर में जलभराव से परेशानी हो गई है। गुमानीवाला और खारा श्रोत में भी पानी घुस गया है। रेस्क्यू में जुटी हुई है SDRF। सुरक्षित जगहों पर लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। तो ऋषिकेश में भी कुछ हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। जलभराव की समस्या देखी जा रही है। IDPL श्यामपुर में जलभराव हो गया है। लोगों की परेशानी जिससे बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। लोगों के घर तक पानी घुस चुका है और जिसकी वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गुमानीवाला और खारा श्रोत में पानी घुस गया है। टीमें वहां पर हालांकि मौजूद हैं। हमने ये कह दिया कि उधर से, क्योंकि 1 किलोमीटर दूरी पर ये निकास होगा, तो वो 1 किलोमीटर दूरी से निकालते हुए वो खोदते हुए इधर आएंगे। लेकिन ये कह दिया है SDM को भी और सिंचाई विभाग को भी और पुनर्वास को, ये आज हर हालत में ये काम उधर से जुट जाए और देर रात तक चाहे करें, चाहे 1 JCB लगाए, 10 JCB लगाए, लेकिन उसका प्रदान करना शुरू कर दें। और जो जो क्षति हुई है उसको भी अभी आंकलित करेंगे। SDM को कहा है कि जिन लोगों को मदद हो सकती है उनको मदद। देखिए, पिछले दिनों की जो भारी वर्षा के कारण यहाँ पर रायवाला में अडवाणी प्लॉट है, यहाँ पर जल भरा हुआ है और अब जो स्रोत है वहाँ से भी पानी निकल रहा है जमीन के अंदर से। तो जो अफेक्टेड परिवार हैं उनको तो शिफ्ट करा दिया गया है। साथ में पानी की निकासी का कोई डाउन पे है ये, तो पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी JCB लगी है तो हम पानी की निकासी का रास्ता देख रहे हैं कि किस तरह से पानी निकाला जाए। साथ में जो मोटर पंप होंगे उनका भी, उनसे भी पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगे हैं कि भाई किस तरीके से पानी का एग्जिट होगा। गणेश यार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब वहां पर पानी निकासी की कुछ जो समस्या से जूझ रहे थे लोग, उस समस्या से निजात पाए हैं? जी, अभी तक जो अगर हम आडवाणी जो प्लॉट है रायवाला का, जो ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जल भराव की समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जो नदी तट के बराबर वाले थोड़ा सा डाउन में ये जगह है, तो निकासी की व्यवस्था न होने से लगातार वहां पर तेज बारिश में जल भराव की समस्या बनी हुई है। हालांकि मोटर से पानी निकालने का किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी समस्या बनी है। अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। सोंग नदी, अगर हम ऋषिकेश से पहले एयरपोर्ट के पास की बात करें तो डोए वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी सोंग नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कल देर रात भी वहां पर एक परिवार फंस गया था, उसको भी SDRF लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। तो ऋषिकेश के तमाम जितने क्षेत्र है वहां पर भी लगातार ऐसी जल भराव। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? अगर हम बात करें तो लगभग ऋषिकेश के 8 से 10 जगह ऐसी हैं जहां पर जल भराव की समस्याएं आ रही हैं। लगातार SDRF मौके पर पहुंचकर देर रात भी कई लोगों को, उनको अगर हम बात करें 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने कल रात भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और कई लोगों को जो ऊंचाई वाले जो रिजर्व की जगह है वहां। चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बारिश का असर आप देख सकते हैं अभी पहाड़ों में। हो सकता है कि मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ऋषिकेश में आप देखिए किस तरह बारिश का पानी घरों में घुसा हुआ है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।